और मुझसे आला उस्ताद जी आज भी इंदा ब्या सर तो मैं पॉइंट मारे करता जिनके मत्थे में दे देगा। गैस सिलेंडर के भाव कितने आए, या ऐसे ही अफवाह फैला रखी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जो है शायरी ट्रेंड पे है। शायरी जो है पहले कौन गाया करता था, कौन लिखा करता था, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो है कवि लिखा करते थे और उनको एक्टर्स गाया करते थे और इनके कवि के बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते थे। लेकिन अब जो है ये शायरी जो है अब हर एक बंदे के मन के जो थॉट्स होते हैं, उनके अपने विचार होते हैं, वो लिखते हैं और गाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाऊंगी जो खुद से शायरी बनाते हैं और गाते भी हैं और इस वक्त जो है बहुत ही उनकी शायरी पॉपुलरिटी पे है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ज्योति लाइकर इस वक्त मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र जिले में। तो अभी तक मैंने आपको यमुनानगर जिले की हर एक प्रकार की वीडियो दिखाई है, चाहे वो किसी के टैलेंट की वीडियो, चाहे वो बेरोजगारी से परेशान महिलाओं की हो, इन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं उस शख्स से और मिलवाते हैं आप सभी को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो अभी जो है यहाँ पे काफ़ी लड़के बैठे हैं और इनमें से एक लड़का है जो खुद से शायरी बनाता है, लिखता भी है और उसको गाता भी है। तो हाँ जी नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी, एकदम ओके। रिपोर्टर क्या नाम है जी आपका? वंश नाम है जी मेरा। वंश कहाँ से हो आप? मैं जी लाड़वा से ही हूँ, लाड़वा के पास गांव है दबखेड़ा, वहाँ से। ठीक है, तो आप शायरी बनाते हो? हाँ जी हाँ जी। तो आपके मन में शायरी बनाने का विचार कैसे आए? मैं जी स्कूल में पढ़ता था, मैं मतलब कि शरारती बच्चों में भी आता था। अच्छा जी। और जी मतलब कि पढ़े लिखे हम अभी। अच्छा। तो एक दिन बैठे थे जी हम सारे, मैं नैने की बजाय करता अपने स्कूल में पूरी। अच्छा। तो मैं पॉइंट मारे करता जिनके मत्थे में दे देगा। तो जी एक दिन मैं रात ने बैठे कल्ला सोच रहा कि यार इन्हें ना सही दुश्मन ला, सही सिस्टम आ, सही दिमाग लगाओ मतलब। हाँ जी जी, सही उसमें लाइना जोड़ू। तो मैंने एक दिन रात ने बैठे बैठे ना शायरी बना दी। अच्छा। तो मैं पढ़ पढ़ का पूरा खुश हो रहा, मैं यार लाइन बन गई, शायरी बन गई। तो मैंने अपने यार दोस्तों ने दी भाई पूरी, मैं देखो यार सुनो भाई कैसी बनी। तो कह रहे भाई बढ़िया बढ़िया, रिकॉर्ड कर ले सुना। मैं कहा चलो रिकॉर्ड करेंगे। तो भी रिकॉर्डिंग करन गए, इस तरह मैंने 5-6 दिन से मजाक मुकार दी, मैं ना सही नहीं बनी, सही नहीं बनी। तो मैं अपने मामे घर चले गया जी। तो मैंने अपने मामे के छोकरे से कहा भाई तो देख इस ना बोल का, वह तेरी आवाज में शूट करागी। तो उसने बोला कर नहीं यार मेरी उसमें नहीं। तो मैंने रिकॉर्ड कर ली उसके समा। अच्छा। तो कह रहे यार मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने तंग से ना होगा जी मन्नी अपने आप, मैं चल मैं पेना ट्राई करूँ। तो मैंने ट्राई कर ली जी, वह बन गई बढ़िया। तो मैं अपने गाँव में आया जी, फिर मैंने भाइयों ने दिखाई, मैं देखियो यार कैसी बनी। कह रहे भाई बढ़िया अपलोड कर दे। मैंने जिस तरह शर्म भी आया करा भी अपनी आवाज़ सुन सुन का शुरू में स्टार्टिंग में तो स्त्री हुआ। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैंने अपलोड कर दी जी, वाह बढ़िया रिस्पॉन्स आया, मतलब थोड़ी बहुत ही चली पहले पहली तो। और फिर वो कह रहे भाई ऐसी ऐसी और बना, मैं कहा चल ठीक है। तो मैं घर बैठा बनाता गया परफेक्ट हो गया जी। मैं मैंने बीच में छोड़ दी, मैंने शर्म सी आने लगी। तो मैं लिखने पर रह गया, मैंने कापी भर दी जी लिखा। तो मैं कहा चल शूट करने का टाइम आ गया। तो फिर मैं शूट करने लग गया जी ना, मैं कहा बढ़िया बन दी गई। तो फिर बन दी गई। तो फिर मैंने प्लस वन में लिया जी एडमिशन लाड़वा। तो फिर वहाँ भाई मेरा अमित भाई दोस्त बनाया मेरा। तो भाई आज मैं भाई दोस्त नहीं मानता, मैं तो भाई मानूँ भाई, सगे भाई देवी ऊपर आवना। तो भाई भाई की पूरी सपोर्ट अपने करनी थे फुल। तो भाई ने कहा भाई कोई चक्कर नहीं है, मैं खड़ा हूँ। तो भाई मेरे फ़ोन में शूट करी हूँ, भाई पाई फ़ोन था जी नवा नवा लाए थे। तो फिर भाई ने भाई किसी की फोटो फाटो कुछ नहीं गिनची, पेपर था हमारा बल्कि उस दिन। तो भाई कह रहा मैं तेरी वीडियो बनाऊँगा भाई, पहले यानी किसी की बनाते ही नहीं हूँ। ठीक है। तो फिर भाई ने पेपर में भाई पेपर और था हमारा, उसकी पिछली माना वीडियो शूट करी, तो माना अपलोड करी। तो भाई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पर। फिर माना शूट कर दे गए, तो माना कुरुक्षेत्र की वीडियो बनाई थी जी, एक लाड़वा मारा यहाँ से बस स्टैंड आ। तो वहाँ तो वह टपी थी जी 44 के पार कर गई थी वह। तो फिर माना जत्ते काम स्टार्ट करे, उसके बाद वीडियो वायरल ही होती जा रही है हमारी जी पूरी बढ़िया। आप अपनी आईडी का नाम भी बताइए और वंश चुनाली अभी आईडी का नाम अपनी इंस्टाग्राम की, यूट्यूब पर भी सारी जगह यही है, कोई चक्कर नहीं है, जितना मर्जी चेक कर लियो। ठीक है। तो एक बार जो है एक शायरी भी हो जाए। हाँ जी हाँ जी। अपने जिले की जी मैंने सारे पता क्या आईडी पर भी मैसेज आऊँ भी हमारी शाहबाद की बना दे, यमुनानगर की बना दे, रोदौर करनाल की। तो मैंने सारे ही मिक्स कर दिया, मैं कह लिया भाई थारा सिस्टम ही खत्म करूँ, मैं थारे सबके ऊपर ही बनाऊंगा, सबका दिल खुश करूंगा। तो भी हमने बनाई थी, तो ये बनाई थी पहली शायरी। जिला है कुरुक्षेत्र अपना, पेवा दिल वाला रूट है, करनाल और शाहबाद ना मेरा दिल ते सलूट है, और यमुनानगर ना बुला कर हरियाणा खुशियों का राज्य, गम थोड़ी है, हर साथ देने में खड़े सब ते आगा, लाड़ वाले किसी ते गम थोड़ी है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी शायरी है जो भाई ने सभी जो जिले भी हैं, गांव भी है, सबके ऊपर जो है एक बार में ही ख़त्म कर दिया। जैसे कि भाई ने अपना पॉइंट बताया है कि सब जो है मैसेज करते थे कि आप जो है इस गांव की शायरी करो, इस गांव के बारे में बोलो, तो उसके बारे में जो है भाई ने एक बार में ही काम ख़त्म कर दिया। तो इससे अलग और भी हो जाए भाई एक आधी, इससे अलग जी मैंने उसकी मारी थी देसी कहीं जिस तरह जी कहती रहा भाई मेरे यार दोस्त गर्लफ्रेंड आ वही तो देसी है ये वो। तो मैंने उसके ऊपर ही बना दी। अच्छा।
उसके ऊपर बनाई थी कि यार कैसे थी भाई वो, आप याद करवाओ भाई के। तो अभी जो है भाई के मन में जो विचार हैं वो आ नहीं रहे हैं, जैसे भूल जाते हैं मन मन में, ऊपर ऊपर से घूमती रहती है, लेकिन भाई को जो है याद नहीं आ रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस टाइम जो आपकी पॉपुलर वीडियो है कोई, उसके बारे में बताइए। वो तो मेरी स्कूल वाली मिलिन पार कर गई थी जीवा वाली सुना रहा मैं। पढ़ाई का शौक किन्ना था, बस नजारे लेने जावा थे, बाथरूम की छुट्टी लेने भी गिल्ला सारे यार जावा थे, कईयों के स्वभाव उधर कईयों के बड़े हसीन थे, लास्ट बेंच पर कब्जा और बोलने के शकीन थे, जो बीत गया टाइम वह दोबारा नहीं आना, सारी बातें एक साइड में प्रधान बस स्कूल नहीं भूला जाना। सही बात है बिल्कुल, जो स्कूल की यादें होती हैं ना, चाहे आप कॉलेज टाइम में कॉलेज लाइफ में क्यों ना चले जाओ, लेकिन आप स्कूल को कभी नहीं भूल सकते। ये भाई ने बिल्कुल सही बताया है, और उसको अपने थॉट्स अपने विचार के माध्यम से जो आप तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो आप भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना प्यार दिखाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। तो आपके घर वाले इसमें आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? घर वाले कहती जी पूरी सपोर्ट है, घर वाले करनी कहते, वो तो कह रहे भाई जो मर्जी कर कोई दिक्कत नहीं भाई, अपनी स्टडी भी जारी रख और अपना इसमें भी कोई चक्कर नहीं है भाई, पूरी सपोर्ट है उनकी। तो जी ठीक है, स्टडी में क्या करते हो आप? स्टडी में जी मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर तो खत्म हो गया, मैं सेकंड ईयर में लिया अब दोबारा एडमिशन वहीं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे करते हो? नीलोखेड़ी में जी, करनाल वाले इस एरिए में, नीलोखेड़ी। ठीक है जी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको जो शायरी का शौक है वो कब से है, बचपन से आया या अभी स्कूल टाइम से हुआ? जैसे वीडियो बनाने का दी शौक मना शुरू तो ही आ, मैं स्कूल में तैयार करूँ था, गाने ला ले करता, टीवी मार शीशे अग्गे बैठ जा करता जी, पहला मैं ओन वॉइस नहीं बनाया करूँ था, तो पहला मैं वैसे ही बनाता रहा करता, फिर मैंने ओवन वॉइस स्टार्ट करी अपनी भी, लगातार लिखनी लुखनी स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने अपनी ओन वॉइस स्टार्ट कर दी थी वीडियो बनानी। ठीक है भाई। हाँ जी, तो एक शायरी और, जैसे कोई किसी से प्यार करता है उसके बारे में बोलो। तो कई भाई अभी मेरे वो कह रहे भी हम चौंक मखड़ का आई लव यू बोल दें, कोई चक्कर नहीं आई हूँ उनके ऊपर बनाई थी। तो क्या सुनो जी वाली शायरी थी, मैं जितना तन्ना याद करूँ उतना किसी ना नहीं करता, सब गेल बात शेयर ना किसी बात का पर्दा, और करूँ तन्ना प्यार जद मर्जी अजमा लिए, बड़े चौक में कह दूंगा आई लव यू, तेरा जल्दा नहीं किसी से डरता। बहुत अच्छी बात है, जो अपने प्यार का इजहार अपने आप नहीं कर सकते हो भाई की शायरी से करते हैं, जैसे कि भाई ने बताया। तो भाई ने जो है आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी शायरी पेश की है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो मैं थोड़ा सा माँ बाप के बारे में पूछना चाहूँगी कि माँ बाप से भाई जो है कितना प्यार करते हैं, उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, आप अपने मम्मी पापा के बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? जहाँ एक बार जुबान दे दी वहाँ साथ नहीं छोड़ना, दिल सबके नरमो अमन दो कदे के एक नहीं तोड़ना, सबके दिलों पर प्यार के नाम की मोहर है लगानी, अपनी माँ के सपने पूरे करने और बापू की टोर बनानी। वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात कि अपने माँ बाप को जो है कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने माँ के सपनों को पूरा करना चाहिए, कि माँ बाप के जो सपने होते हैं वो अपने बच्चे से ही उम्मीद रखते हैं कि वो उनको पूरा करेगा। तो चलो ये बात है, अब आप अपनी स्टडी के बारे में बताइए कि आप स्टडी से अपनी खुश हैं कि नहीं है, पहले तो ये बताइए आप। स्टडी तो देख लो पॉलिटेक्निक की पूरी टफ होगा जी, बट फिर भी मैंने कर दिया क्लियर, कोई चक्कर नहीं है। बाकी मैंने मेरा नंबर तो जी यहाँ पढ़ गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। किस चीज़ में पढ़ा था नंबर? मेरा जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। वो कोर्स क्या था? बी उसकी ही गया था जी, बी ए के बेस पर गया था मैं, मेरे नंबर आते ठा लिए थे जी मेरे। तो मतलब आपके मन में क्या था, कुछ और करने का था या पॉलिटेक्निकल ही करनी थी? मतलब मैं तो कुछ और ही सोच रहा था जी, म्यूजिक लाइन में चला जाऊँ। अच्छा। तो बाकी पॉलिटेक्निक में ही कह रहे थे अगर के ताई की छोरी लग रही थी, तो मैं पॉलिटेक्निक में चला गया। बाकी अपने वो काम भी चल रहा है जी शायरियाँ वाला, बाकी सारे काम हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो आप म्यूजिक में जाना चाहते थे, तो आप सिंगिंग वगैरह भी करते हो? हाँ जी, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, उसके अलावा मैंने सॉन्ग भी लिख रखे हैं जी। अभी तक कोई सॉन्ग रिलीज नहीं किया है? अभी मैंने कुछ कह रहा नहीं, अभी इंस्टाग्राम पर बनने वाला जी, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत ही और पहचान होगी जी, बाकी एकदम चलाएगा, कोई चक्कर नहीं। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं आपके? इंस्टाग्राम पर जी 14.14K फॉलोवर हो रहे हैं जी मेरे। कितने दिनों में हुए हैं ये 14,000 फॉलोवर्स आप? बड्डे तो पहले थे जी मेरे, 7 दिन पहले मेरे 7,000 थे फॉलोवर। तो फिर भाई ने कहा भाई बड्डे से पहला मन्ना 10K फैमिली कंप्लीट चाहिए अपनी, तो बड्डे से पहला। तो फिर भी मैंने कुछ दो शायरियाँ मारी, तो उन दो शायरियाँ ना 7 दिन मेरे 3,000 फॉलोअर कंप्लीट कर दिए भाई, मैं 10K फैमिली कंप्लीट कर दी अपनी पूरी। जो आपकी दो शायरियाँ जो पॉपुलर हुई थी आपके बर्थडे से पहले, पहले तो आप अपना बर्थडे बताइए, आपका बर्थडे कब था? मेरा बर्थडे था जी 5 मार्च का।
5 मार्च 2023 हाँ जी ठीक है। इसी साल में जो है भाई का बर्थडे था 5 मार्च को, और 5 मार्च जैसे कि भाई ने बोला है कि इन्होंने जो है 3 दिन के अंदर अपने 10K फॉलोवर्स फैमिली जो है कंप्लीट कर ली। तो अपनी वो 2 पॉपुलर वीडियो भी बताइए कि जिनसे जो है आपको इतने अच्छे फॉलोवर्स फैमिली मिली है। वो जी पेपरों की थी, पेपर चल रहे थे हमारे भी चल रहे थे, तो उसके मैंने कहा मैं चलिए यही टॉपिक चक लेंगे पेपर वाला, तो मैंने पेपर वाली मारी थी। ये बल्ला लटो जो बंदो थारा पढ़ने वाला अटैक हिंदी इंग्लिश की चल जाएगी, थारी जान काटा मैथ, अरे इंस्टा की रील ना छोड़ का थोड़ा पेपर अगर नहीं करो ख्याल, जब फेल हो गए ना बेटे पापा छटियां गिल्ला करेगा सर्विस, अरे मम्मी मार मार का थपड़े थारी गल्ला कर देगी लाल। वाह जी वाह, बिल्कुल सही है कि बच्चे जो होते हैं अपने पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं। पहले ये सोचते हैं कि थोड़ी सी देर जो है मोबाइल चला लें, फिर उसके बाद किताब को जो है याद कर लेंगे उसके क्वेश्चंस को, लेकिन कोई याद नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोल देते हैं कि अब नहीं चलो तो कोई बात नहीं 5 मिनट में पढ़ लेंगे, वो पेपर का वही दिन आ जाता है लेकिन पढ़ाई वहीं तक रहती है और इंस्टाग्राम से रील जो है ट्रेंडिंग पे रहती है। जैसे कि आपने बताया कि आपको सिंगिंग का भी शौक है, तो आपको जैसे सिंगर्स होते हैं उनमें से कौन पसंद है आपको? मेरे को जी सिद्धू मूसेवाला जी पसंद थे भाई जी अपने, तो उनके ऊपर एक शायरी भी लिखी है जो उनका नया गाना आया अभी मेरा ना, तो भाई वो बहुत से व्यू क्रॉस करके एक दिन में 90 लाख करके क्रॉस, तो भाई मैं शायरी करना चाहूँ। हाँ जी बोलिए। कल्ले नाग लगाई पड़ी थी जदी तो आधे से ज्यादा दुनिया उसके खिलाफ कड़ी थी, चढ़ दी कलम रख उस मालक ना पर उसकी जड़ा काटी कहिया ना, और मुझसे वाला उस्ताद जी आज भी इंदा ब्या सर्च करो जाका उसका गाना लिया मेरा ना। तो सिद्धू मूसेवाले का नया गाना मेरा ना जो आज भी जो है ट्रेंडिंग पेज पे चल रहा है, तो भाई जो उसके बहुत बड़े फैन है भाई ने बताया है, तो जाकर सर्च करें और देखें और भाई का फुल इंटरव्यू भी जरूर देखें। मैं जो है इनके फ्रेंड्स से बात करना चाहूँगी कि उनका क्या कुछ कहना है भाई के बारे में और वो क्या कुछ करते हैं। हाँ जी कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? अमित। क्या कुछ कहना चाहोगे भाई के बारे में? बस जी मैं तो कह रहा जी खड़े हम तो लगा रहे हो अपना लगे रहो वीडियो में जी। अच्छा वीडियो कैसी करते हैं आपके ये फ्रेंड? वीडियो बढ़िया जी सही चल रही, वैसे अपना व्लॉग की भी कह रहे जी मैं तो कि व्लॉग स्टार्टिंग करेंगे, वैसे चल रही जी 2-3 व्लॉग। ठीक है। आप स्टडी क्या करते हो? मैं जी बीए कर रहा लाडवा कॉलेज। ठीक है। तो अभी जो है मैं दूसरे इनके फ्रेंड्स से जो पीछे बैठे हैं बाइक पे भी हैं और इनके साथ भी बैठे हैं और एक भाई तो उठ के भी चल दिया। ठीक है। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगी कि इनका क्या कुछ कहना है। हाँ जी कैसे हो? बढ़िया जी। आगे हो जो थोड़ा इधर आ जाओ। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं जी तो बेले हैं जी घर पे रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी जी। कितने पढ़े हुए आप? प्लो कर दी थी कम्प्लीट, तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। अब ऐसे ही बेरोजगार हो या कुछ कर रहे हो? नहीं वैसे ही कुछ नहीं कर रहे जी भी तो बेरोजगार हो? बस भाई जी मिस्त्री हैं। अच्छा। बड़े भाई हैं जो उन्हीं के साथ काम करते हैं। ठीक है। तो अभी जो बाइक पे बैठे हैं मैं इनसे पूछना चाहूंगी। हाँ जी नाम क्या है जी आपका? अरजत जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? गीता कॉलोनी के हैं जी, गीता कॉलोनी बबदा लाडवा। अच्छा लाडवे की। तो आप स्टडी कर रहे हो? स्टडी कुछ नहीं जी 10वीं कर रखी जी क्लियर। अच्छा ठीक है। तो भाई आप क्या कुछ कहना चाहोगे भाई के बारे में? भाई तो जी हम तो कहाँ जी भाई पूरी मतलब जो अपनी मेहनत कर रहा है वो जारी रखा है, भाई ने पूरी दिल से सपोर्ट है। अच्छा। तो भाई को जो है इसके सारे फ्रेंड्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो है आगे बढ़े और होने भी चाहिए कि अपने टैलेंट को जो है दुनिया तक लेकर के आए। और अभी जो है 2 फ्रेंड्स रहते हैं हाँ, तो इनसे पूछेंगे कि गैस सिलेंडर के भाव कितने आए, ऐसे ही अफवाह फैला रखी है। तो हाँ जी आ जाइए इधर आइए आप। क्या नाम है जी आपका? अजय जी। तो गैस सिलेंडर के भाव बताइए आप, पहले तो आप गैस एजेंसी में लग रहे हो जाते कि गैस सिलेंडर के भाव जो वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं जी। अच्छा। बाकी क्या कहें जी, बस सरकार है जी, तो सरकार घट करेगी सरकार ही बताएगी जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बताया है कि सरकार जो है जैसे कुछ भी करती है भाई तो बस गैस एजेंसी में लगे हुए हैं, जैसे जॉब करते हैं जॉब कर रहे हैं भाई। तो अभी एक भाई रहता है, आ जाओ भाई आप भी आगे। अभी भाई जो है पीछे पीछे बैठे हैं इनके। तो क्या नाम है जी आपका? बलविंदर है जी। क्या कर रहे हो आप जी? अभी पढ़ाई करके बस घर पे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, बस खेती में हाथ बढ़ाते हैं। अच्छा खेती जैसे जमीन है आपके पास? हाँ जी बस। ठीक है कोई बात नहीं जी। तो भाई को जो है फुल सपोर्ट है इनके फ्रेंड्स की और सबने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया है, अपने बारे में बताया बिल्कुल शर्माए नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाई को भी जो है अपना प्यार जरूर दिखाना।